दोस्तों, आप घर बैठे आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहले आपको इस साइट पे आ जाना है, parivahan.government.in। साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आने के बाद जो होम पेज रहेगा आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस में क्लिक कर देना है। इसमें जब भी क्लिक कर देंगे आप, क्लिक करते के साथ दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो अपना स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप एक बार इसको रीड कर लेंगे क्या क्या यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस यहाँ पे जो है चालू कर दिया है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपको और भी नॉलेज मिलेगा क्या क्या आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको हटा देंगे। हटाने के बाद देखिए जो हमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। इसमें आपको क्लिक कर देना है, जो पहला ऑप्शन है देखिए फर्स्ट वाला। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा जनरल। जनरल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया, तो इसको आपको सेलेक्ट करके सबमिट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक है सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा है विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों हमें करना है ऑनलाइन सब कुछ प्रोसेस, तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन, इसी में आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके। उसके बाद इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर पूछा गया है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे इसको और अपना आधार नंबर यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है जनरेट ओटीपी, इसमें क्लिक कर देंगे। आपका मोबाइल में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है। ओटीपी को आप यहाँ सेंड कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे तीनों को टिक कर देंगे, एक एक करके टिक कर देंगे तीनों को। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट में क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट में क्लिक करते साथ आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा फ़ोटो का साथ, जो भी आपका आधार कार्ड में है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, देखिए आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिया जाएगा, तो आप यहाँ में ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका लगभग सब फिल ही रहेगा। कुछ कुछ चीज़ आपको फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ में आप टाइप कर देंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी टाइप करना है यहाँ में फुल। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि कोई भी आपका ब्लैक मोल इन आइज़ या भी कुछ भी हो, आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको कोई भी शरीर का एक चिन्ह यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे लगभग सब आपका एड्रेस फिल ही रहेगा। आपको यहाँ में आपका तहसील सेलेक्ट कर लेना है सिर्फ। और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे देखिए यहाँ पे आपको ड्यूरेशन पूछा गया है, ड्यूरेशन ऑफ द स्टे ये प्रेजेंट एड्रेस। आप अपना जो एड्रेस है उसमें आप कितने साल से रह रहे हैं, अगर आप बर्थ से रह रहे हैं तो आपका जो उम्र है वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद आपका देखिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस हमें दोनों सेम रहेगा, अगर मतलब टिक करना होगा, टिक करने से दोनों सेम हो जाएगा। अगर आपका टेम्पोररी एड्रेस आपका जो परमानेंट एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं विदाउट टिक करके। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा व्हीकल का आप अप्लाई करना चाहते हैं लाइसेंस, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, लाइट मोटर व्हीकल, सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट एक ऑप्शन दिया गया है जो बॉक्स, इसमें आपको क्लिक करना है, एक के बाद एक सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद एरो है साइड में, इसमें आप क्लिक कर देंगे तो ये साइड में सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं एक एक करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे थोड़ा सा चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है कि कौन सा ड्राइविंग स्कूल से आप सीखे हैं या फिर ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखे हैं। अगर आप ड्राइविंग स्कूल से सीखे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे साइड में आपको ड्राइविंग स्कूल का जो नाम है वो आपको यहाँ में सेलेक्ट करना होता है। और अगर आप अपने से सीखे हैं तो अगर टिक नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है नीचे, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको येस नो का कुछ ऑप्शन मिलता है, इसको आपको एकदम देख के फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो फिल कर रहा हूँ आप एज इट इज़ सेम ऐसे ही फिल करेंगे येस नो में। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों।
तो इसको आप जैसे मैंने फिल किया है वैसे ही आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए एक बॉक्स है, इसको आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो सक्सेसफुली आपका यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन एज द फिजिकल फिटनेस सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ में और एक ऑप्शन देखिए आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आपका ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो आप येस नो आपका हिसाब से आप कर लेंगे। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप दिया गया है और एक नंबर भी दिया गया है, इसको आप पहले लिख लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे देखिए साइड पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके अपना जो एक रिसीव है वो आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, फुल डिटेल्स आपका यहाँ पे रहेगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो नीचे आ जाएंगे और प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको टिक करना है और यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड अपलोड सेल्फ साइंड डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पहले एज प्रूफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा, उसके बाद आप यहाँ से अपना स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे SSLC सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे होता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि आधार कार्ड या भी कुछ भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन मिलेगा वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ में इशू अथॉरिटी यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी आपका है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको देने का ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ में फाइल चूज़ करना है जो भी आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, उसको आपका फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो अपलोड का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है उसमें क्लिक करना है। उसके पहले दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो 500 KBPS का नीचे होना चाहिए आपका जो फाइल है उसका साइज़, आप PDF में देने से सबसे बेटर होगा दोस्तों। उसके बाद अपलोड में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू में क्लिक करके आपको यहाँ पे उसके बाद आप कंफर्म में क्लिक कर देंगे। कंफर्म में क्लिक करने के बाद देखिए ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको यहाँ में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप अपलोड कर देना है। तो मैंने अपलोड कर दिया है, तो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। फोटो अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो दूसरा फोटो दे भी सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो फिर भी चलेगा क्योंकि आपका फोटो ऑलरेडी हमें है। तो सिग्नेचर आप यहाँ में अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपका 10 KBPS और 20 KBPS के अंदर होना चाहिए, 10 to 20 KBPS के अंदर होना चाहिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली आपका जो अपलोड हो जाएगा सिग्नेचर। उसके बाद देखिए यहाँ में जो ऑप्शन आपको दिख रहा है नेक्स्ट, इसमें आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका सामने इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्रोसीड में क्लिक करते ही देखिए आपको एक फ़ीस यहाँ पर देना होता है, तो यहाँ पर आप फीस देख के यहाँ पर आप पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और पे नाउ में क्लिक करेंगे। पे नाउ में क्लिक करते ही आपका फिर से एक इस तरह इंटरफेस आएगा, आपको हमें टिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको बहुत सारा बैंक यहाँ पे दिख जाएगा। पहला देखिए यहाँ पे SBI का जो ऑप्शन दिया गया है, SBI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर आप जो भी पेमेंट करना चाहते हैं जिससे भी आप यहाँ में सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं देखिए अदर बैंक डेबिट कार्ड, उसके बाद कन्फर्म। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आपका डेबिट कार्ड नंबर यहाँ में टाइप करना है, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेना है, कार्ड होल्डर नेम टाइप कर देना है, CVV कोड टाइप करना है, कैप्चा को फिल करना है और पे का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इसमें आपको क्लिक करना है। रिसिप्ट को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और या फिर PDF फाइल में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इंटरफेस आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा। आपको एक ऑप्शन यहाँ में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ में वॉचिंग फॉर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज़ मैंडेटरी, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, जनरेट OTP में क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल में एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP को आप यहाँ में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश क्या में आप सुनना चाहते हैं वीडियो को और सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रेड वाला जो यूट्यूब ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कर देंगे और एक वीडियो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको फुल देखना है, अगर आप फुल नहीं देखेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो को फुल आपको देखना है, कुछ भी भगाना नहीं है, स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो फॉरवर्ड नहीं करना है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। देखने के बाद ही दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ में क्लोज़ होगा, नहीं तो क्लोज़ नहीं होगा। तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे फुल वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिकली ये हट जाएगा, इस तरीके का पेज फिर से आ जाएगा।
उसके बाद जब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाता है यू हैव सक्सेसफुली व्यूड, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड फॉर एल एल टेस्ट, इसमें आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड फॉर एल एल टेस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर टाइप कर देना है, डेट लिख देना है और आपका पासवर्ड आपको मोबाइल में सेंड किया जाता है आरटीओ की तरफ से, उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना है। और यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो लर्निंग टेस्ट है वो भी आप ऑनलाइन ही दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूट्यूब में कोई भी वीडियो मिल जाएगा आप सर्च करने से, कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं लर्निंग टेस्ट ऑनलाइन, तो आप उसी से देख के सीख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों।